तो गाइस भूतिया से बात आ गई यार एक स्टोरी। और यहाँ पर भी बैरिकेडिंग लगी हुई है गंदी वाली। ओ भाई वो भी बहुत तगड़ी कहानी है। हाँ जी की हाल चाल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब रात के बज रहे 11:30, दोनों भाई निकल चुके हैं गेड़ी मारने। और ये विंटर्स की हमारी पहली गेड़ी है। ये तो पहले हम इतनी गेड़िया करते थे, फिर अचानक इतनी गेड़िया करते थे, फिर दोनों का ब्याह हो गया। हम बस ब्याह तो बात तुहानू पता ही हैगा सीन की होंदा यार। तो क्या सीन्स होते हैं, क्या करते हैं रात में, क्या होगा वो तो ब्लॉग देखने से ही पता लगेगा। तो स्टे ट्यून्ड, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब मार देना। पहले सब्सक्राइब मारना, लाइक वीडियो के बाद मारना, या वीडियो के बीच में मारना अच्छी लगे तो। ठीक है, फिर चलो आगे मिलते हैं, नजारे दिखाते हैं आपको आज रात के। तो गाइस बज रहे हैं 12:15, 31 दिसंबर होने को है, टेम्परेचर हो गया 14 डिग्री। हम लोग रोहिणी से चले हैं और बाईपास की तरफ है। अभी अभी डिसाइड हुआ है फ्रॉम मिस्टर दीपक कि हम साउथ दिल्ली की तरफ गेड़ी मारने जा रहे हैं। ये डिसाइड हुआ ना बे? हाँ भाई बिल्कुल। तो अब साउथ दिल्ली चल रहे हैं, रात की गेड़ी मार रहे हैं, बने रहो। अभी हम बेबियों की बात ही कर रहे थे तो बेबियों का कॉल आ गया और भाई साहब ये लग गए हैं अब। जरूरी है। अपन वेली है और ये हमारी बीवी गई है भाई माइके, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, चल ले गेड़ी मारने। गाइस मजनू के टीले तक पहुंचने ही वाले थे कि वजीराबाद के फ्लाईओवर से पहले अपने को मिल गया तगड़ा जाम। मजनू का टीला पूरा खाली है और मजनू का टीला पूरा खाली है, उससे पहले किस चीज का जाम है देखना पड़ेगा। भाई साहब जाम में कम से कम 15 से 20 मिनट खड़े होने के बाद पता लगा कि जाम जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ फ्लाईओवर बनने की वजह से बॉटलनेक बना हुआ था। आगे अगर आप रास्ता देखना चाहो तो पूरा खुल रहा है, फ्लाईओवर पूरा सही जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही तक का जाम है, इसमें हमारी लंका लगा दी है। फिर खड़े हुए नहीं नहीं मूविंग है अभी तो खड़े हुए सिर्फ 3 ट्रक आगे, मात्र 3 ट्रक के बाद हम फिर फ्री हो जाएंगे। ये कैसे टेढ़ा लगा हुआ मेरे को तो ये लग रहा है कोई एक्सीडेंटल है। कोई टेढ़ा या गया लॉजिस्टिक वाला सीधा है ट्रक ये? ये खराब है? सीधा ही है, सीधा ही है, ये रुका हुआ आई गेस, ये रुका हुआ है। यस खराब है, खराब ही साइड में खड़ा कर रखा है, ऐसी बात नहीं है, इसकी वजह से भी थोड़ा सा हाँ वो बॉटलनेक बन रहा है ना पूरा। अच्छा भाई मेन तो इसी वजह से है। हो गए ब्री, जब तक हम पूरी तरह पार नहीं हो जाते। अब कह सकते हैं कि हो गए फ्री। हाँ फ्री हो गए काइंड ऑफ, ये जो फ्लाईओवर बन रहा ना इस चक्कर में सारा जाम लगा हुआ, साथ में ट्रक खराब था तो तगड़ी बॉटल लग गई थी। सो ये है दिल्ली के रात का ट्रैफिक और अभी हम आपको दिखाएंगे सिग्नेचर ब्रिज, अगर उस पे होपफुली लाइटिंग हो, लाइटिंग होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो फॉग होगी। दोनों में से कुछ तो होगा ही, क्योंकि फॉग का टाइम ही चल रहा है ना बेसिकली। लाइटिंग आएगी यार यहीं पर ही था लिफ्ट में। लाइटिंग नहीं है, बंद कर रखा है। तो गाइस अब हम मजनू का टीला पहुंचने वाले हैं, यही है वजीराबाद का फ्लाईओवर और रास्ता पूरा क्लियर हो गया। रात को ट्रकों का जाम लग जाता है,
अभी हम कश्मीरी गेट पहुंच गए हैं विद अ वेरी स्मूथ ड्राइव. इट टुक अस अराउंड 10 मिनट्स टू रीच कश्मीरी गेट. सो ये हमारी 2023 की आखिरी नाइट आउट है, इस साल की आखिरी नाइट आउट. और अभी हम यहाँ से जाएंगे हौसखास विलेज. गॉड नोस, कुछ कह नहीं सकता, डिपेंड्स अपॉन मूड. उसके लिए आपको आगे बना रहना पड़ेगा. गाइस अपन लोग अब आईटीओ पहुंचने वाले हैं और ये कुतुब मीनार नहीं है, ये मेरे ख्याल से कोई थर्मल पावर प्लांट था या क्या था? मिल है, ये मिल है. मिल थी कोई है ना, ये एक अबैंडन मिल है. अबैंडन यानी कि वीरान मिल है. उसकी एक ये चिमनी है जिसको इन्होंने G20 की वजह से कटैक कर दिया. अब ये गोश्त मिल के नाम से फेमस है. है? अच्छा जी भाई, ये गोश्त मिल है दूसरी. ये स्कैरी है. लो जी, दिल्ली की एक स्कैरी जगह पता लग गई. गाइस भूतिया से बात आ गई यार, एक स्टोरी दीपक केसवानी बताओ जी. मैंने एक पॉडकास्ट देखा था द रियल क्लिप का, जिसके अंदर बी प्राक के साथ कोई इंसिडेंस हुआ था, उसने शेयर किया था. उसमें उसने बताया कि वो पहाड़ों में कहीं गए थे अपने कजन्स के और फ्रेंड्स के साथ. उसके साथ वहाँ कुछ ऐसा सीन हुआ कि कुछ जिसको हम लोग कहते हैं छलावा. हाँ हाँ. तो वो छलावा उसके ऊपर आया था और वो वहाँ से सुसाइड करने को हो गया था. शिट मैन. उसके फ्रेंड्स ने और उसके कजन्स ने उसको विंडो से खींचा है, थर्ड फ्लोर से पहाड़ों में नीचे खाई में कूद रहा था. होली शिट. तो वो पॉडकास्ट देखने के बाद मुझे थोड़ा बिलीव हुआ कि शायद ये सब चीजें कहीं ना कुछ हैं. गाइस रात के बज रहे हैं 12:30 और ऐसी ऐसी कहानी सुना के मेरी बैंड बजा रहा है. अवेयर कर रहा हूँ अभी. अवेयरनेस है या स्केयरनेस है ये मुझे नहीं पता. तो फिलहाल तो गेड़ी अच्छी चल रही है. आईटी ओपन लोग पहुंच गए हैं. इसको पानी की प्यास लग रही है भाई, ये तो तगड़े तरीके से हंस भी साला स्केरी रसी रहा है. और चिल्ली कर काके और चिल्ली करने निकले हैं यार. चलो भाई स्टोरी फिनिश होगी, आगे दिखाते हैं खाने नजारे. कालेखा पहुंच गया और ये सराय कालेखा का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन बन रहा है, बहुत ही बड़ा, वास्ट. ये रैपिड रेल वाला है? रैपिड नहीं है ये वो वाला है मेरे ख्याल से मेरठ वाला. हाँ तो वो रैपिड रेल ही तो है. रैपिड है वो. हाँ तो यहाँ से कनेक्शन होना है उसका. वही ये हमारा नया आश्रम का फ्लेवर. अपन लोग अब आश्रम पहुंच गए हैं. फॉग का कोई नामो निशान नहीं है, जैसे कि पहले दो दिन था मुझे लगा गया फॉग मिल जाएगी तो फॉग की टाइमिंग करने में मजा आ जाएगा, बट वो चीज नहीं है. सो आई एम मिसिंग माय फॉग यार. एक्चुअली कह रहा था सैटरडे था ना, तो मैंने सोचा था कि अगले दिन जाना नहीं होगा ऑफिस. तो फॉग की ड्राई हो जाएगी, बढ़िया गेड़ी भी हो जाएगी. काफी टाइम बाद हम लोग निकले एक साथ. फॉग नहीं मिली, बाकी तो मजा आ रहा है. खूब जमेगा रन जब मिल बैठेंगे दो यार. मैं और दीपक इना केड़ी. लास्ट दिखा दे, हमने 20th दिसंबर 2014 में इस तरह से गेड़ी मारी थी. 20th को 2014. लॉन्ग टाइम मैन. तो अब आश्रम पहुंच गए हम. वो भी मुझे ऐसे पता चला कि 20 तारीख को फेसबुक पे भाई आधी 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 से ज्यादा यादें तो हमारी फेसबुक वाले को जागृत करता है. सही है, याद दिलाता है. हाय साउथ एक्स में भी रौनक लगी हुई है. रात को काफी अच्छा बना हुआ है ना. सही रौनक जमा हो रही है भाई. रात को यहाँ पे गाड़ी इतनी स्पीड पे चलती है, दिन में तो गाड़ी यहाँ पे 20 की स्पीड से उठती है. सही बात है. जिस रोड पे हम चल रहे हैं घिसरे होते हैं या जाम सफदरजंग पे. पुलिस अंकल रोक रहे हैं गाड़ियां.
रहा है हमारी तरफ, कोई इशारा नहीं है। ट्रक्स रोक रहे हैं एक्चुअली, भाई सफदरजंग में बेसिकली बैरिकेडिंग लगी हुई है, तो पुलिस अंकल रोक रहे हैं गाड़ियां। न्यू ईयर की पूरी तैयारियां हैं, बच के रहना रे बाबा, पीने वालों गाड़ी ना चलाना। अभी थोड़ी सफदरजंग में मिली है हमें आगे, तो पता नहीं है, देखते हैं। गाइस बेसिकली RDX के लिए मुड़े थे, RDX तो हमारा बंद हो चुका है और यहाँ पर भी बैरिकेडिंग लगी हुई है गंदी वाली। चेकिंग टावर तोड़ है, पुलिस तो हमारी पकड़ रहेंगे, देखते हैं पकड़ते नहीं पकड़ते हैं। हाँ जी सर, फाइनली पकड़ ही लिया था। थोड़ा सा लाइट टॉर्च मारी और जाने दिया। तो भाई साहब कल के लिए तो बिल्कुल बच के रहना रे बाबा, सब पे नजर है। कहीं भी जाएं एक सूफी ड्राइवर साथ लेके जाएं, अगर आप पार्टी एंजॉय करने जा रहे हैं, और नहीं तो ड्राइवर हायर कर ले, बेस्ट है कैब से जाएं। नहीं तो घर पे बढ़िया बॉनफायर करके आराम से एंजॉय करें, ऑल द ऑप्शंस आर देयर। क्योंकि कल तो अगर इन्होंने रोका तो आपका व्हीकल इंपाउंड करेंगे एंड छोड़ेंगे कल अगले दिन आपको भी सोच समझ के। तो गाइस दो लोग आप पहुंच गए हैं, कोई चेकिंग नहीं है, क्या हम वो चेकिंग बताने के लिए खड़े हैं? दोनों काम हाथ पे हाथ हो रहे हैं। गाइस नारायणा पहुंच चुके हैं अपन लोग और हमारा मन कर रहा है अब चाय पीने का। तो फ्लाईओवर के नीचे चलते हैं अब, देर रात का हमारे को जट्टा मिलता नहीं मिलता क्या? स्क्रीन लगी है जो उसके अंदर लद्दाख दिखा रहे थे। हाँ तो बीआरओ कंट्रोल करता ना भाई। चलो भाई डब्बा डुब्बा मिल गया, चाय शाह पी लेते हैं। गड्डे कितने लाए हैं भाई? धुआं भी निकल रहा है और ये चाय इसको पूरा सारे लड़के से पहले पूछते हैं चाय है तो दबा लो, मतलब पूछेंगे है तो रखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े आने दो इसको, नहीं तो हम पीछे पार्किंग की तरफ लगाएंगे। चाय दो, चाय कुल्हड़ वाली यार। हेलो यार, साथ में कोई बिस्किट वगैरह हो तो वो भी ले आई हो। मट्ठी वट्टी कुछ भी नहीं है? नहीं, और क्या रखा हुआ आपने? पराठे हैं। नहीं फिर तो सिर्फ चाय ले आओ यार, दो चाय, दो चाय मिल गई फाइनली। फाइनली दूर कहीं जाना नहीं पड़ा, नहीं तो हमारा प्रोग्राम था पेंटामेड जाने का। गड्डी अब कितने ला रहा है। सो गाइस रात के टाइम पे यहाँ पे मिल सकता है, कभी आप रात को भूले भटके कहीं कोई ढूंढ रहे हो तो आप नारायणा के फ्लाईओवर के नीचे आ जाओ, आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस सीधा गाड़ी लगानी है फ्लाईओवर के नीचे, सामने अवतार ढाबा, वहां से पराठे चाय जो मर्जी खाना, मस्त रहेगा। हाँ जी भाई साहब गड्डी पीछे लगी है। अच्छा नहीं ऑर्डर वाले आए, ऑर्डर वाले दे दिया भैया ऑर्डर, ठीक है गाड़ी हल्का पीछे करके लगा लो। अच्छा ओके जी भाई, पीछे करके लगाते हैं गाड़ी।
सो गाइस चीयर्स, चाय आ गई हमारी। ठंड में चाय मजा ही कुछ, वो भी रात को 1:30 बजे, फील ही अलग है। ऐसे हम लोग चाय पीने एक बार हम चले गए थे कुफरी भाई, वो भी बहुत तगड़ी कहानी है, बताता हूँ क्या हुआ था। रात को हम लोग मिले, हमने कल ऑफिस के काम से जाना है बद्दी, तो बद्दी जाने के लिए निकले हम। बद्दी में काम किया, काम करने के बाद भाई मेरे साथ था, साथ रहने के बाद जैसे ही काम खत्म हुआ 2:30 बजे भाई का मन करा चाय पीने। हमने कहा चाय पीते साथ में, पकौड़ियाँ बनाएंगे। तो क्या करें, कहाँ पर चाय पिए भाई साहब, हमने गाड़ी लगा दी कुफरी नहीं यार, कसौली नॉट कुफरी, कसौली हमने भाई साहब उस टाइम चाय पीने के लिए गाड़ी लगा दी। हमने कपड़े ढंग से नहीं पहने, कहते ठंड का मौसम था, जैसे उतरे कि इतनी ठंड हो सकती है, हवा ठंडी, टेम्परेचर -2 था वहां पे उस टाइम, नहीं 2 था, 2 था, 2 डिग्री टेम्परेचर में चाय पीने के लिए हम कसौली गए बद्दी से, और वहां पर चाय की चुस्कियां ले रहे विद द पकौड़ास। वो भी कहां पर, वो ऊपर मॉल रोड थी ना वहां पर, नहीं वो सनसेट पॉइंट पे, सनसेट पॉइंट के पास। ऐसा ऐसे ऐसे कहानियां करिए ना हमने, क्या ही होता है। और चाय पी के कहते चलो दिल्ली खतरनाक सीन था वो भी, ऐसी ऐसी स्टोरी तो साथ बैठने में याद आती है नहीं सही है यार। पूरी रोड ही पराठों से भरी हुई है, मानो मतलब एक बार इस पे ना स्पेसिफिकली रात को आते हैं ना हाँ। भाई लोगों को भी बताते रात को क्या कौन कौन से पराठे मिलते हैं यहाँ पर, मस्त है यार। नाइट लाइफ होती है, नहीं सही बात है, और हमारे यहाँ सब कुछ मिलता है, थोड़ा सा बस आपको ढूंढना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा हल्का फुल्का, लेकिन पूरी रोड में पराठे या ईटिंग जॉइंट्स हैं। चलो भाई लोग, अब नारायणा से निकल चुके हैं अपन लोग घर के लिए, तो भाई लोग पराठे खाने के बाद अपन लोग पहुंच गए पीरागढ़ी, निकल गए घर की तरफ, और नेक्स्ट 10 मिनट में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। करेक्ट है रोटी का अंदाजा बिल्कुल ठीक है भाई। So guys, it's time to say bye to Deepak. So bye. Finally, हम लोग अब घर पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है अभी रात के 1:51 11:30 बजे निकले थे हाँ। पराठा एंड चाय के साथ वापसी हमारी तो अब चलते हैं घर की ओर। चलो ओके ब्रदर, ओके बाय, दोबारा बनाएंगे कभी कुछ ऐसा, पक्का डन, ओके बाय बाय बाय, सी या। जैकेट जूट ले जाओ, ले ले, जाना पड़ गया। So guys, that's the end of the story. आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक बहुत अच्छे से व्लॉग में। Till then, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। With this, signing off. Bye bye.